दोस्तों 1975 में एरिजोना के माइक रॉजर्स को 1200 एकड़ जंगल को काटने का ठेका मिला। उसने 6 लोगों को काम पे रखा और उन्हीं 6 में से एक ट्रेविस वॉल्टन की कहानी आज हम देखेंगे। कब तो लग जाए दाग से, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो 5 नवंबर को टीम ने काफी मेहनत की और अंधेरा होने से पहले ही वो वापस शहर की तरफ जाने लगे। लेकिन जंगल से निकलने से पहले ही उन्हें पेड़ों के बीच एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि वो जंगल में लगी हुई कोई आग है, और बाद में जब वो रोशनी गाड़ी के साथ चलती रही तो उन्हें लगा कि ये कोई एरोप्लेन है जो नीचे उड़ रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही एक जगह वो रोशनी उनके सामने आ गई और गाड़ी रोकनी पड़ी। ट्रेविस तुरंत ही इस गाड़ी का गेट खोलकर उस चीज की तरफ बढ़ा। वो चीज करीब 90 फीट दूर थी और करीब 20 फुट गोलाई में और 8 फुट मोटाई में थी। वो चीज एकदम चमक रही थी और उसमें से आवाज आ रही थी जैसे किसी मशीन से आती है। ट्रेविस के बाकी साथी उन्हें वहां जाने से मना करते रहे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा और जब उसके काफी पास पहुंच चुका था तो वो चीज धीरे धीरे गोल घूमने लगी। उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी और तभी उस चीज में से एक रोशनी की बीम निकली और ट्रेविस की छाती पर पड़ी। ट्रेविस को एक तेज झटका लगा और वो उछल के गिर पड़ा। उसके दोस्त ये सब देख रहे थे और काफी डरे हुए थे। उन्हें लगा कि ट्रेविस मारा जा चुका है और अब उनकी बारी है। ये सोचकर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग खड़े हुए। भागते हुए उन्होंने गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में उस यूएफओ को जाते हुए देखा। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो शब थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने वापस जाने की सोची। कुछ देर बाद वो वापस उसी जगह पर पहुंचे जहां ये घटना हुई थी, लेकिन उन्हें ट्रेविस का कोई निशान नहीं मिला। कुछ देर ढूंढने के पश्चात वो वापस शहर की ओर चल दिए और पुलिस में इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत ही अगले दिन एक सर्च पार्टी का इंतजाम किया और ट्रेविस को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन 2 दिन तक जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस को बाकी के 6 लोगों पे शक होने लगा कि कहीं उन्होंने मिलकर ट्रेविस का कत्ल तो नहीं कर दिया। पुलिस ने उन 6 लोगों को लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए कहा। अपने दोस्त के गायब होने से परेशान ये 6 दोस्त इस टेस्ट के लिए तैयार हो गए। इन 6 में से एक इस टेस्ट के दौरान काफी गुस्से में आ गया, लेकिन उसे छोड़ के बाकी सभी ने ये टेस्ट पास कर लिया। 5 दिन के बाद ट्रेविस ने अपने आप को सड़क के किनारे पाया और उसने अपना सर उठाकर एक रोशनी को वहां से तेजी से ऊपर जाते हुए देखा। वो बहुत ही थके हुए थे और हल्की बरसात भी हो रही थी। किसी तरह वो हिम्मत जुटा के पास के एक टेलीफोन बूथ पे पहुंचे और अपने भाई को फोन किया। पहले तो उसके भाई को लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे भरोसा हो गया और वो ट्रेविस को लेने वहां आ गया। ट्रेविस ने अपने भाई से कहा कि इस 2-3 घंटों के दौरान वो बेहोश थे, जिस पे उसके भाई ने कहा कि वो पिछले 5 दिनों से लापता हैं। ट्रेविस को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ तो उनके भाई ने उन्हें उनकी बड़ी हुई दाढ़ी दिखाई जो लगभग 5 दिन पुरानी थी। पुलिस को तुरंत ही इस बात की सूचना दी गई और इंस्पेक्टर ट्रेविस से मिलने आया। ट्रेविस इस हालत में नहीं थे कि कोई जवाब दे पाए और वो गहरे सदमे में थे। उनका डॉक्टरी चेकअप करवाया गया और आखिरकार उन्हें एक सम्मोहित करने वाले के पास ले जाया गया। यहां जो ट्रेविस ने कहा उसने सबको हैरान कर दिया। उसके अनुसार जब उन्हें लाइट बीम लगने के बाद होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पड़े हुए पाया और उनकी छाती पे कुछ मशीन लगी हुई थी। पहले तो उन्हें लगा कि उस घटना के बाद उनके दोस्त उन्हें हॉस्पिटल ले आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 3 एलियंस संतरे रंग के कपड़े पहने हुए उनके आसपास घूम रहे थे। उनके हिसाब से उनका सर काफी बड़ा था और उन पे कोई बाल नहीं थे, और उनकी आंखें बादाम की शेप की थीं और बहुत बड़ी थीं। नाक, कान और होठों के नाम पर ये सारे काफी छोटे थे। ये देखकर ट्रेविस को गुस्सा आ गया और वो अपने बिस्तर से उठा और अपने पास पड़े एक औजार को उठा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देख वो एलियन उनके पास आने लगे, लेकिन उसने अपना औजार कस के हवा में हिलाया। ये देख कि वो तीनों वहां से चले गए। ट्रेविस काफी डरे हुए थे और उनके जाने के बाद वो उस कमरे से निकल के बाहर एक बरामदे में आ गए। वहां उन्हें एक और दरवाजा दिखा। वो उस कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने वहां एक कुर्सी देखी, और ध्यान से देखने पर जब उन्हें लगा कि कुर्सी पे कोई नहीं बैठा तो वो उसमें बैठ गए और वहां मौजूद बटन्स को दबाने लगे। थोड़ी देर में उन्हें दरवाजे पे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा
तो उन्हें एक मनुष्य जैसा आदमी दिखाई दिया जिसने एक पारदर्शी हेलमेट पहन रखा था। इस मानव रूपी जीव को देखकर ट्रेविस उससे सवाल जवाब करने लग गए कि वो कहाँ हैं और उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। उसने ट्रेविस को हाथ से पकड़ा और अपने साथ बाहर ले गया। एक और दरवाज़ा खुला जिसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह आ गए जहाँ बहुत सारी उड़नतश्तरियाँ पड़ी हुई थीं। थोड़ी देर बाद वो एक सफ़ेद कमरे में पहुँचे जहाँ ट्रेविस ने और तीन मनुष्य रूपी लोगों को देखा जिसमें से एक औरत भी थी। उन्होंने ट्रेविस को एक बेड पर लेटा दिया और बाकी लोगों ने ट्रेविस के हाथ और पाँव पकड़ लिए और उसके बाद उनके चेहरे पे एक मास्क लगा दिया गया। इस घटना के बाद उन्हें होश तब आया जब उन्होंने अपने आप को सड़क के किनारे पाया। ट्रेविस रातों रात मशहूर हो गए थे और उन्होंने कुछ वर्षों बाद एक किताब भी लिखी जो उनकी इस यात्रा के बारे में थी। 1993 में उनकी इस किताब पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था फायर इन द स्काई। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक अखबार ने ट्रेविस और उनके दोस्तों को $5,000 का इनाम दिया था उस वर्ष की सबसे अच्छी यूएफओ घटना के लिए। इस घटना के बाद ट्रेविस का जीवन ही बदल गया था। वो और उनके दोस्त आज भी उस दिन को याद करके सहम जाते हैं। लेकिन एक टीवी कार्यक्रम के दौरान जब ट्रेविस का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव आया। खैर, ट्रेविस और उन 6 लोगों की कहानी सच्ची है या झूठी ये उन लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। धन्यवाद। दक से कब तो लग जाए दक से बड़े बड़े लोगन के बंगला दो।